लॉकडाउन के चलते धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने किया कुछ लोगों को गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रीवा के मार्गदर्शन में जिले के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली का आयोजन किया गया। रीवा से हमारे संवाददाता रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सर, रीवा में प्रशासन द्वारा हाका अभियान निकाला गया था, कुछ लोग पकड़े गए हैं, अभी क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, ये पुलिस अधीक्षक साहब के नेतृत्व में शहर के सभी थाना प्रभारी, थानों के बीट अधिकारी, CSP, DSP ट्रैफिक और बहुत सारे स्टाफ लेके हमने एक कार्रवाई की थी। शहर में जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर गलियों में खास तौर से लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, तो इसमें कार्रवाई करने का निर्देश था। उसी के पालन में ये सब कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करके लोगों को घरों में रहने के लिए, जो लोग अनायास में घूमते पाए गए हैं उन लोगों को थाने भेज दिया गया है। वहाँ पर उनसे पूछताछ होकर उनके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई की जानी है की जाएगी। साथ ही जो मोटरसाइकिल से लोग सड़कों पर घूम रहे थे उनको भी पकड़ा गया, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए हैं सर अभी तक? ये करीब 55-60 के आसपास लोग पकड़े गए हैं।